असर देखने को मिल रहा है कि उत्तर बंगाल में काफी सारी घटनाएं घट रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर। आगे भी दिलीप घोष जी के काफिले पे हमला हुआ जयगांव में, उसके बाद कल सिलीगुड़ी में भी एक अप्रिय घटना हुआ जिसमें एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। इस विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए सर। देखिए, पूरा बंगाल में अभी तक 130 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। वर्तमान तृणमूल सरकार और तृणमूल के गुंडे द्वारा हमारे एमएलए को भी, अहमदाबाद के एमएलए को भी मार करके लटका दिया गया है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अभी सरकार के हाथ में नहीं है, गुंडों के हाथ में चला गया है। और पश्चिम बंगाल का पुलिस पूरी की पूरी तरह टीएमसी का केडर के हिसाब से काम कर रही है। सर, आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आगे इलेक्शन आ रहा है, काफ़ी चहल पहल देखा जा रहा है, गर्मा गर्मी देखा जा रहा है, तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है जनता। अभी पश्चिम बंगाल की जनता, उत्तर बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमको उम्मीद है, हमको पक्का विश्वास है आने वाले समय में भी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन कर रही है, गणतंत्र को शर्मसार कर रही है, लोकतंत्र का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है, जिस प्रकार से हिंसा का राजनीति यहाँ कर रहे हैं ये लोग, जनता इससे त्रस्त है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, हमने तो सुना है जयगांव में लिंक रोड में एक जगह में आया हुआ बोरिंग किसी तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी अंचल स्तर के, उनके यहाँ उनके घर में वो बोरिंग हो गया है। इस तरह का जिस प्रकार के भ्रष्टाचार जो जयगांव में चल रहा है अंचल से लेकर के सब जगह, आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और जिन लोगों ने दिलीप घोष के काफिले के ऊपर, माननीय हमारे राज्यसभा सभापति के काफिले के ऊपर हमला किया, वो चिन्हित हैं, हम सब उनको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन उनको यहाँ उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, ये वह लोग जान लें। सर, एक और सवाल है कि देखा जा रहा है कि टीएमसी के आपसी गुटबाजी आपस में चल रही है, अगर कल चल के उन्हीं में से कुछ नेता अगर बीजेपी के दामन थामते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उसको वेलकम करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, हम कल के लिए नहीं सोचते, हम आज सोचते हैं, कल क्या होने वाला है उसको लेकर हम हमारा कोई अभी दिमाग ख़राब करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं, हमने सुना है तृणमूल कांग्रेस में जो अभी दायित्व मिल रहा है, जो पद मिल रहा है, उसमें भी पैसों का लेन देन हो रहा है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है वही दायित्व उसको मिल रहा है, हमने ऐसा सुना है। ये जनता के बीच में ये बात हम लोगों ने सुना है। ऐसा हो भी सकता है जिस दल में पैसे के बल पर पदाधिकारी और वहाँ पर नियुक्त होते हो, उस दल का भविष्य क्या है आप कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद।